नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। आज सावन का दूसरा सोमवार है और सावन महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। सोमवार को ये विशेष सावन का महत्व हो जाता है क्योंकि मान्यता ये है कि सावन मास में शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूध और जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्त भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए सोमवार व्रत भी रखते हैं और इसी के साथ भगवान शिव की आराधना के लिए सावन मास सबसे उत्तम माना गया है। शिव पुराण के मुताबिक सावन में हर दिन सच्चे मन से भगवान शंकर की पूजा करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है और सावन के दूसरे सोमवार पर नवमी तिथि और कृतिका नक्षत्र का शुभ संयोग भी इस बार बन रहा है। भगवान शिव की पूजा से जीवन में आने वाले दुख, कष्टों और परेशानियों का अंत होता है। सावन के सोमवार के दिन व्रत धारण कर महादेव की आराधना करने से भक्तों के सभी कष्ट मिटते हैं। बता दें कि 9 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवार है और 16 अगस्त को सावन का चौथा सोमवार, जो कि आखिरी व्रत माना जाता है। पंचांग के मुताबिक सावन के दूसरे सोमवार यानी आज नवमी तिथि है और इस दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा। वहीं चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर कर रहा है, जहां पर राहु पहले से ही विराजमान है। तो आपको बता दें कि राहु और चंद्रमा से इस दिन ग्रहण का योग भी निर्माण होता है। फिलहाल आज सावन का दूसरा सोमवार, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, सभी जगहों पर भक्तों का तांता लगा है। मंदिरों में लगातार भक्त उमड़े हैं और अपने आराध्य की पूजा अर्चना के लिए वहां पर भक्तों की भीड़ लगी है। जो मंदिर हैं वो भी आज भोले शंकर के जयकारों से गूंज उठे हैं क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है और सावन का महीना भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप 16 सोमवार रखते हैं या फिर आप सावन के 4 सोमवार का व्रत करते हैं तो एक जैसा ही फल प्राप्त होता है। और ऐसे ही कई और भी वाक्य हैं जो भगवान शिव को काफ़ी प्रिय है। सावन का सोमवार उसके लिए काफ़ी धारणाएं प्रचलित हैं। और इस बीच इस बार आज सावन का दूसरा सोमवार, जिसमें तमाम मंदिरों में भक्तों का तांता उमड़ा है, हर जगह मंदिरों में भक्त पहुँचे हैं और ये तस्वीरें भी आपको आज ही की दिखा रहे हैं, जहाँ तड़के सुबह भक्त मंदिरों में पहुँचे। लगातार शिव भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सावन का महीना आज दूसरा सोमवार सावन का है और सावन का महीना आपको बता दें 26 तारीख से शुरू है, तो मंदिरों में शिव भक्तों का तांता भी लगा हुआ है और लगातार भक्त अपने आराध्य की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। ये आप देख भी सकते हैं, तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं। आज शिवलिंग पर लोग भांग, धतूरा, बेलपत्र, फूल इत्यादि चढ़ाते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। प्रचलित है, माना यह जाता है कि ये मान्यता भी है कि अगर भोलेनाथ पर भांग, धतूरा चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना पूरे तरीके से की जाती है तो उन भक्तों की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संवाददाता गौरव मिश्रा अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, आज सावन का सोमवार है और दूसरा ये सोमवार है, किस तरह का मंदिरों में भक्तों का तांता है? देखिए मुस्कान, आपको बता दें कि आज सावन का दूसरा सोमवार है जहां भक्त जो है शंकर भोले की पूजा अर्चना कर रहे हैं और माना जाता है कि जो सावन का सोमवार है वो 16 व्रत और 4 व्रत रखने से पूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर हम धर्म नगरी अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में हर मंदिरों पर श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा है। सरयू नदी पर लोग भारी संख्या में स्नान कर रहे हैं और शिवलिंगों पर दूध अभिषेक और पूजा अर्चना कर रहे हैं लगातार। मुस्कान जी, जिस तरीके से देखा गया कि 26 तारीख से जो है पहला सावन का सोमवार था, ये दूसरा सोमवार है और हर सोमवार को धर्म नगरी अयोध्या में काफी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। मुस्कान, सरयू नदी पे फिलहाल किस तरह का माहौल है गौरव? क्योंकि मान्यता है कि सरयू नदी पर स्नान करने से भी काफी अच्छा फल मिलता है और यहाँ भक्त लगातार अब स्नान करने भी आते हैं। देखिए सीधे तौर पर जिस तरीके से काफी जो है सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है, लेकिन लोगों को रोक लगा दी गई है, वहां पर जंजीरें लगाई गई हैं कि भारी जो है जो श्रद्धालु स्नान करने आते हैं, ऐसा देखा गया है कि काफी लोग डूब भी जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से रोक लगाया गया है, रास्ते लगाए गए हैं कि लोग आगे आकर के ही स्नान करें और काफी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। और चाहे नागेश्वर नाथ मंदिर हो, चाहे त्रेसर नाथ मंदिर हो, तमाम मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और यहाँ पर
पूजा अर्चन भी किया जा रहा है। जिस तरीके से देखा जाए, चाहे शंकर का शिवालय हो या अन्य मंदिर हो, जो है भक्त काफी संख्या में जो है पूजा अर्चन कर रहे हैं। मुस्कान, हालांकि कोरोना काल है गौरव, लेकिन भक्तों के लिए जो सावन का महीना है वो जितना प्रिय महादेव के लिए है उतना ही भक्तों के लिए भी होता है, और भक्त लगातार मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। तो आज जिस तरीके से कोरोना काल है, किस तरीके से भक्तों ने पूजा अर्चना की? देखिए, अगर हम कोरोना काल को लेकर के बात करें तो भक्त जो है शंभू शंकर के पूजा अर्चन में पूरी तरीके से लीन हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना से लोगों में भय भी नहीं दिख रहा है मुस्कान, ना लोगों के मुंह पर मास्क दिख रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दिख रहा है। तो जिस तरीके से भगवान के पूजा अर्चन के साथ साथ लोगों को अपनी जिंदगी की भी ध्यान रखना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से भक्तों पे इस विषय पर बात की जाती है तो वो कहते हैं कि जब जो है भक्त भगवान की पूजा करते हैं तो कोरोना से कोई डर नहीं है। तो जिस तरीके से शिवालय की बात करें, चाहे मंदिरों की बात करें, वहां पर लोग भारी संख्या में पूजा अर्चन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को भूलते नजर आ रहा है मुस्कान। बिल्कुल, और लेकिन श्रद्धालु जिस तरीके से आज मंदिरों में पहुंच रहे हैं गौरव, फिलहाल क्या कुछ मंदिरों का हाल है? क्योंकि देखिए, लगातार देखा जाता है सावन के सोमवार के दिन कि मंदिरों में लगातार भक्त पहुंचते हैं, वहां पर भोलेनाथ के जयकारों से पूरा मंदिर गूंजमय हो जाता है। देखिए, हम मुस्कान इसी के लिए आपको वहां से पूरी लाइव तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो भक्तों का है वो जयकारे से पूरी मंदिर गूंज रही है। तो आपको मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जिस तरीके से बताने का प्रयास करूंगा कि जो मंदिर है वहां पर शिवालय है, वहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, जो कि सुबह 4 बजे से जो है मंदिरों में पूजा अर्चन चालू है। ठीक है गौरव, मैं जानकारी आपसे लूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन फिलहाल तो एक बार फिर से बात सावन के सोमवार की कर लेते हैं, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है और मंदिरों में लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। संवाददाता गौरव हमारे साथ मौजूद है। गौरव, आप बताइए, जिस तरीके से आप बताने की कोशिश कर रहे थे। देखिए मुस्कान, आपको बता दें कि अगर जो इस तरीके से शिवालय की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद है, मैं उनसे भी बात करने की पूरी कोशिश करता हूँ कि जो ये 16 सोमवार व 4 सोमवार का माना जाता है कि शंकर भगवान का व्रत रहने से पूरी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, ये लोग कब से व्रत रह रही है और इनका किस तरीके से पूजा अर्चन कर रही है, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आज जिस तरीके से आप लोग मंदिरों में पूजा अर्चन कर रही है, इस समय सावन का सोमवार चल रहा है, कितने दिनों से आप व्रत रह रही है, क्या मनोकामना है? जिस तरीके से माना जाता है पूजा अर्चन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, मंदिरों में कैसी भीड़ देखी जा रही है? यहाँ पर रामायण बैठा रहे हैं, सोमवार का पूर्व सब मनोकामना का पूर्व। देखिए, और यहाँ पर हमारे शायद कुछ और भी श्रद्धालु मौजूद है, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि ये कितने दिनों से जो ये व्रत है, आप कितने दिनों से रह रही है और मंदिरों में कैसी व्यवस्था है, कितने लोगों की भीड़ यहाँ पे देखी जा रही है? तो आप देख सकती है मुस्कान, किस तरीके से जो बताया जा रहा है, श्रद्धालुओं का कहना है कि सुबह से काफी भीड़ देखी जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से समय व्यतीत होता जा रहा है वैसे श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आ रही है मुस्कान। ठीक है गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो शिव भक्तों का इस समय आराध्य उनके हैं, वो उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, उस पर जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सावन का दूसरा सोमवार है आज, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, भक्त तो जिस तरीके से लगातार मंदिरों में आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिस तरीके से महादेव की मान्यता है कि जो भी उन पर भांग धतूरा चढ़ाकर तमाम चीजें चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना करता है तो भक्तों की तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और अयोध्या तो वैसे ही धर्मनगरी कहा जाता है। फिलहाल आज क्या कुछ स्थिति? देखिए, अयोध्या धर्म नगरी है, सावन के जिस तरीके से शंकर जी का दिन चल रहा है, यहाँ पर सभी मठ मंदिरों को सजाया गया है, यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु पूजन करने आते हैं। Hello? और लोगों का मानना रहता है जिस तरीके से क्या बताया जाता है, क्योंकि ये राम के मूल यहाँ पर है, पर भारी संख्या में सभी मठ मंदिर वहाँ पर श्रद्धालुओं को निर्स्थापन किया हुआ है और लोग पूजा अर्चन करते हैं। जिस तरीके से देखा जाता है जो सोशल डिस्टेंसिंग और उनके मास्क नहीं दिख रहा है, और जिस तरीके से की भीड़ देखी जाती है वो भी नहीं दिखती है। ठीक है जी, ठीक है गौरव, आप नजर बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो सावन का दूसरा सोमवार आज है और मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूसरे सोमवार के दिन लगातार मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं, अपने आराध्य की पूजा अर्चना के लिए भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि सावन में मान्यता है कि अगर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूध और जल से
उनको उनका स्नान कराया जाता है, उनको जलाभिषेक किया जाता है, तो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान्यता इस बार ये भी है कि कांवड़ यात्रा सावन में लाई जाती है और जो समय उनका होता है उसके बाद जलाभिषेक गंगा जल से किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से सावन में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध है, तो लोग इसी तरीके से जलाभिषेक महादेव का कर रहे हैं। बाबा का जलाभिषेक करते हुए लोग सादे पानी से भी जलाभिषेक कर रहे हैं क्योंकि प्रतिबंध है, लेकिन मान्यता तो ये भी है कि भक्त जो हैं वो जिस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं उनकी जितनी श्रद्धा है वो उतने से ही करें तो महादेव उससे भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि भोले बाबा वाकई काफ़ी भोले हैं। अगर उनको आप सादा जल भी चढ़ाते हैं तो भी वो आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, और मान्यता भी इसी प्रकार से है। भक्त भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए सावन में सोमवार के व्रत भी रखते हैं, तो सावन का आज दूसरा सोमवार है और आज कई भक्तों ने व्रत भी रखा है। उसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो मंदिरों में लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं, ये तमाम भक्त हैं शिवलिंग पर अपनी साधना के साथ वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, श्रद्धा के साथ वो पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। लंबी भीड़ भक्तों की देखी जा रही है और तमाम ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये आस्था की डुबकी की तस्वीरें हैं जहां पर भक्त जो हैं वो पहुंचे हैं गंगा किनारे, वहां पर डुबकी भी लगा रहे हैं, जिस तरीके से तमाम चीज़ें हैं। फिलहाल इस बार काफ़ी प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं, लेकिन इन प्रतिबंधों के बीच भक्त जो हैं वो महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस बार जितना उनसे बन पड़ता है वो अपने आराध्य की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुँच रहे हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि 9 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवार है, फिलहाल महादेव की आराधना करने के लिए भक्त जो हैं वो पहुंचे हैं मंदिरों में। लगातार भक्तों का तांता, सुबह से ही मंदिरों में भीड़ लगी हुई है और तमाम जो शिवालय हैं, जो मंदिर हैं, वो पूरे तरीके से शिवमय हो गए हैं। शिव शंभू के नारों से तमाम शिवालय गूंजते नजर आए। आपको बता दें कि सावन मास चल रहा है, 26 जुलाई को सावन का पहला सोमवार था, आज दूसरा सोमवार है और आगे 9 अगस्त और 16 अगस्त को तीसरा और चौथा सावन का सोमवार है। ये भी आपको बता दें कि 6 तारीख को शिवरात्रि भी है, मां शिवरात्रि, जो सावन शिवरात्रि जिसे कहा जाता है, और सावन के शिवरात्रि भी ज़्यादा लोकप्रिय इसलिए हो जाती है क्योंकि वो सावन मास में आते हैं। हालांकि पूरे साल में 12 शिवरात्रि आती है, महीने में एक शिवरात्रि आती है, लेकिन फरवरी माह की शिवरात्रि और सावन की जो शिवरात्रि होती है वो काफ़ी अहम और सबसे प्रिय भोलेनाथ को मानी जाती है। आपको बता दें कि सावन का दूसरा सोमवार आज है और सावन में शिव भक्तों को समर्पित ये माना जाता है सावन का महीना। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सावन का दूसरा सोमवार, जिसमें लगातार मंदिर में भक्त पहुंच रहे हैं, मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, शिवालयों में लगातार शिवालय जो हैं वो शिवमय हो गए हैं, शिव के नारों से वो शिवमय हो गए हैं। जिस तरीके से आज विशेष कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार पर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं महादेव की, गंगा में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी भी इस दौरान लगाई है। सावन के सोमवार का विशेष महत्व है क्योंकि सावन का जो महीना है वो महादेव को ज़्यादा लोकप्रिय है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय महादेव को सावन का महीना है और दिन अब भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो इसी पर सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल मुंबई में क्या कुछ स्थिति है, जिस तरीके से आज सावन का दूसरा सोमवार है और भक्त शिवालयों में पहुंच रहे हैं, फिलहाल कैसी स्थिति? जी मुस्कान, देखिए महाराष्ट्र सहित पूरे मुंबई में श्रावण का दूसरा सोमवार का जो व्रत रखा गया है, लगातार जो मंदिर है, फिलहाल बड़े जो मंदिर है उनको बंद रखा गया है, लेकिन जो छोटे मंदिर है आसपास के लोकल इलाके के जो शिवालय है उनको लिहाजन खोला जरूर गया है, लेकिन उसमें भी तमाम तरह की पाबंदियां हैं। खासकर इस जो मंदिर में मैं उपलब्ध हूँ, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मास्क लगाना बेहद जरूरी है। बिना मास्क के इस मंदिर प्रांगण में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इस तरह की जो है व्यवस्था की गई। फिलहाल मंदिर के अंदर लेके जाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से पूजा पाठ अर्चना जो है लगातार सोमवार के दूसरे सोमवार की जा रही है, तो तमाम जो भक्तगण जो है पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पे देखेंगे तो मास्क जरूर दिखाई दे रहा है। लगातार लोग जो है इस बात का ख्याल रख रहे हैं, खासकर मंदिर प्रबंधक की तरफ से यहाँ रुक कर खुद देखा जा रहा है कि जो लोग मास्क नहीं लगाया है उनको मंदिर में
प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। तो तमाम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। खास करके इस दिन जब पूजा अर्चना की जाती है तो विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि श्रावण का दूसरा सोमवार महाकालेश्वर देव की पूजा अर्चना करने की विधान है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, काफी श्रद्धालु भी वहां पर मौजूद हैं, और देखिए कोरोना की वजह से यहां पर तमाम चीजों का, नियमों का पालन भी किया जा रहा है। आप कोशिश करिए श्रद्धालुओं से बात करने की, किस तरीके की मान्यता वहां पर है, जिस मंदिर में वो पहुंचे हैं यहां पर किस तरीके से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोई दूध से अभिषेक कर रहा है तो कोई जल से अभिषेक कर रहा है, कोई गंगा जल से अभिषेक कर रहा है, तो इस तरह की पूजा लगातार की जा रही। खास महत्व होता है आज के दिन श्रावण का दूसरा सोमवार। अमूमन लोग जो है 16 सोमवार का व्रत भी रखते हैं और शुरुआत शुरुआत जो है सोमवार से ही की जाती है। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं और तमाम तरह की जिम्मेदारियां लोगों का जैन में जरूर चल रही है, लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएंगे मुस्कान कि किस तरह से पूजा अर्चना के लिए। खास एक भक्त है, उनसे बात भी करवाएंगे कि किस तरह की जो व्यवस्था की गई है। सर एक छोटी सी जानकारी दीजिए कि किस तरह से, हालांकि कोरोना काल है तमाम गाइडलाइन सब डिस्टेंसिंग बना रहे हैं, और थोड़ा छोटा मंदिर है उसके साथ जो व्यवस्था अपना किया गया है और लोग पूजा कर रहे हैं अपने आज सोमवार के दिन। जी मुस्कान, देखिए जाहिर तौर पर कोरोना काल है, लोगों के मन में कहीं कहीं डर भी बना हुआ है कि संक्रमण, हालांकि सरकार की भी गाइडलाइन है कि मंदिर खुले रहेंगे उस पे भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बिना प्रवेश वर्जित किया गया है। लिहाजन आप तस्वीरें भी लगातार देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है मंदिर प्रवेश से पहले लोगों को बोला जा रहा है कि बिना मास्क आप प्रवेश नहीं कर सकते, इस बात का भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल, और ये काफी बेहतरीन बात है सत्यप्रकाश, जहाँ पर साधना के साथ साथ, आराधना के साथ साथ उन्होंने कोविड के जो प्रोटोकॉल के नियम है उनका भी पूरे तरीके से पालन किया जा रहा है। महिलाएं भी आपके साथ मौजूद हैं, बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि महिलाएं जो हैं उन्होंने आज के दिन व्रत रखा है, व्रत की क्या कुछ मान्यताएं हैं ये भी जानने की कोशिश कीजिए। देखिए मुस्कान, कुछ महिलाएं भी हैं जो पूजा अर्चना कर रही है, थोड़ा उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि शायद कुछ जानकारी जो दे पाए। आज भोले बाबा की पूजा होती है, की जाती व्रत में क्या करते, तो जाहिर तौर पर शायद नहीं बोलने के लिए तैयार है। आप पूजा पाठ चल रही है श्रावण का दूसरा सोमवार, किस तरह की तैयारियां होते व्रत? नहीं, तैयारी वारी सब अच्छे से है, सब अच्छा है। महिलाएं जो चढ़ावा में क्या चीजें चढ़ाती है, क्या मनोकामनाएं अक्सर महिलाएं मांगती है? देखिए लगातार जो है पूजा अर्चना, एक बार फिर भगवान भोलेनाथ को दिखाएंगे कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ का लगातार यहाँ अभिषेक किया जा रहा है, लोग धन चला रहे हैं और अपनी अर्चना अपनी सुमांगे भगवान भोले के सामने रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सत्यप्रकाश, तस्वीरें भी आपने दिखाई हैं और आप जानकारी इस पर लेते रहिएगा, आपसे जानकारी भी लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो सावन के दूसरे सोमवार पर आपने देखा मंदिरों में किस तरीके से भक्तों की भीड़ लगी हुई है, लगातार भक्त जो हैं वो भोले शंकर के नारे लगा रहे हैं, और तमाम भोले शंकर के नारों से ही जो शिवालय हैं वो आज शिवमय हो गए हैं। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है, लगातार भक्त कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मंदिरों में पहुँच रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज सावन का दूसरा सोमवार है, मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है, लगातार भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भोलेनाथ की
पूजा आराधना कर रहे हैं। आपको बता दें कि सावन मास भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और भगवान शिव को बहुत प्रिय भी है। सावन के सोमवार का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि सावन मास में शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूध और जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सावन के पूरे ही महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। कोई दूध से उनका अभिषेक करता है, कोई जल से उनका अभिषेक करता है। पंचामृत स्नान कई लोग करवाते हैं और कुछ लोग यहाँ पर कई अन्य स्नान भी करवाते हैं। आपको बता दें कि भक्त भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए भी सोमवार के व्रत रखते हैं। कानपुर से अनुज तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या कुछ फिलहाल कानपुर में स्थिति, जिस तरीके से आज सावन का दूसरा सोमवार है, क्या कुछ मंदिरों में भक्त किस तरीके से पहुंच रहे हैं? जी मुस्कान, मैं आपको बताना चाहूंगा, कानपुर में भी बाबा भोलेनाथ के भक्तों की कमी नहीं है। बाबा भोलेनाथ के विशेष मंदिर भी कानपुर के अंदर है। कानपुर के अंदर एक सबसे बड़ा विशेष मंदिर आनंदेश्वर है, जो कि काफी सालों से उसका इतिहास भी बना रहा है और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं भक्त वगैरह भी खड़े हैं और ये सुबह से ही लोग आते हैं बाबा भोलेनाथ के मंदिर पर आकर के जल अर्पण करते हैं। इसके बाद इनका अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के बाद एक अपने मन मुराद मांगते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हों। साथ ही साथ कोरोना काल में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं आस्था के ऊपर कोरोना काल भारी नहीं पड़ पाया है। लोगों का लगातार आना जाना शुरू रहा है। मंदिरों के घंटे सुबह से ही बजने शुरू हो गए हैं। लोगों की लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। कानपुर के अंदर मैं आपको बता दूं, दो तीन नहीं, लगभग आधे दर्जन से ज्यादा विशेष मंदिर है, जिसमें आनंदेश्वर मंदिर का सबसे ज्यादा विशेष स्थान है। वहीं सिद्धनाथ का भी एक विशेष स्थान है। इस तरह से आधा दर्जन से ज्यादा मंदिरों का स्थान है कानपुर के अंदर। अनुज, भक्त आपके साथ कुछ मौजूद हैं जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए कि आखिर कोरोना काल में किस तरीके से उनको परेशानियां हो रही हैं पूजा अर्चना में। तो मंदिरों में लगातार शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है, जानकारी आपको देते रहेंगे। लेकिन संपर्क हमारा संवाददाता से टूट गया है। सावन का दूसरा सोमवार आज है। सावन मास शिव भक्तों के लिए काफ़ी प्रिय है और शिव को समर्पित ये माना जाता है। आज के दिन सावन के पूरे महीने में शिव का जलाभिषेक होता है। अनुज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अनुज, जानने की कोशिश करिए, आप बातचीत कर रहे थे। अनुज, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लेकिन फिलहाल आज सावन का दूसरा सोमवार है और आज ही के दिन जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हालांकि सावन के पूरे ही महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक होता है और जो भगवान शिव के शिवालय हैं वो उन्हीं के नारों से शिवमय हो जाते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।